वेलकम फ्रेंड्स, आज महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ तेलुगु भाषा में ही थिएटर्स में रिलीज़ करवाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम महेश बाबू की लाइफ की कुछ अनसुनी बातें, उनके स्ट्रगल, उनके स्टार्डम और आखिर क्यों उनका कंपैरिजन दलपति विजय के साथ होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो हियर इज द आर्ट एंड सिनेमा प्रेजेंटिंग यू द अननोन सीक्रेट्स अबाउट महेश बाबू। नंबर वन, महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 को मद्रास में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन वहीं पर बिताया जहां पर वो अपनी नानी के साथ रहा करते थे। नंबर टू, महेश बाबू लेजेंडरी एक्टर सुपरस्टार कृष्णा के बेटे हैं, जो कि तेलुगु सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर एक्टर थे, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा के अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ में काम किया और उन्होंने इंडियन सिनेमा की पहली काउबॉय फिल्म मोसागल्ला को मोसागालू भी उन्होंने ही बनाई थी। नंबर थ्री, महेश बाबू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट बेट्स एंजेलो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से कंप्लीट की और बाद में उन्होंने चेन्नई के ही लोयला कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। नंबर फोर, महेश बाबू की माँ का नाम है इंदिरा देवी और वहीं उनके दो भाई हैं, रमेश बाबू और एक्टर नरेश बाबू, जो कि उनके स्टेप ब्रदर है, और उनकी तीन सिस्टर्स भी है, पद्मावती, मंजुला और प्रियदर्शिनी। नंबर फाइव, महेश बाबू ने एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तब उन्होंने 1979 की फिल्म नीडा में एक छोटा सा रोल प्ले किया था। उसके बाद भी उन्होंने चाइल्ड एक्टर और भी कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि मुगुरु कोडुकुलु, गुड़ाचारी 117 और अन्ना तमुडू जैसी मूवीज़ में उन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था। नंबर सिक्स, महेश बाबू ने 1999 की फिल्म राजा कुमारुडू से अपना डेब्यू किया था, जिसमें उनके ऑपोजिट प्रीति जिंटा नजर आई थी और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल मूवी साबित हुई थी और उनके लिए उनको बेस्ट एक्टर का नंदी अवार्ड भी मिला था। नंबर सेवन, राजा कुमारुडू के बाद महेश बाबू की अगली दो मूवीज़ फ्लॉप डिक्लेयर की गई, लेकिन बाद में उन्होंने 2003 की फिल्म ओकड़ से कमबैक कर लिया, जिसको कि डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने बनाया था और यह फिल्म इतनी बड़ी सक्सेसफुल रही कि बाद में तमिल में से तलपति विजय ने गिल्ली के नाम से रीमेक किया और बॉलीवुड में भी इस फिल्म को अर्जुन कपूर के साथ थेवर के नाम से रीमेक किया गया था। नंबर एट, ओक्काडू के बाद उनकी फिल्म अतड़ू भी फ्लॉप हो गई, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी जगन्नाथ के साथ पोकरी नाम की फिल्म बनाई और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 66 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। और बाद में इस फिल्म को भी तलपति विजय ने पोकरी के नाम से रीमेक किया था और बॉलीवुड में इस फिल्म को सलमान खान के साथ वॉन्टेड के नाम से बनाया गया था। नंबर नाइन, महेश बाबू एक तेलुगु एक्टर है, लेकिन जब उन्होंने मूवीज़ के अंदर डेब्यू किया था तब उन्हें तेलुगु बोलना नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने स्कूल में मेन सब्जेक्ट इंग्लिश के बाद हिंदी को एज अ सेकंड सब्जेक्ट चूज़ किया था, इसलिए मूवीज़ के डायरेक्टर उनको मूवी के सेट पर ही लाइन्स बोलना सिखाते थे और फिल्मों के सेट पर ही महेश बाबू ने तेलुगु बोलना सीखा था। नंबर टेन, महेश बाबू की 2002 में एक फिल्म आई थी बॉबी, जिसमें महेश बाबू को क्लाइमेक्स में मरा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन ये बात महेश बाबू के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया या फिर कहे बॉयकॉट कर दिया, जिसके बाद इस मूवी के क्लाइमैक्स को दोबारा से हैप्पी एंडिंग के तौर पर शूट किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई। नंबर 11, महेश बाबू ने 2005 में नम्रता शिरोडकर से शादी की थी। एक्चुअली उनकी पहली मुलाकात 2000 की फिल्म वामसी के सेट पर हुई थी और 5 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने फाइनली 2005 में शादी कर ली थी। एक्चुअली महेश बाबू के दो बच्चे भी हैं, जिनमें उनके बेटे का नाम है गौतम और बेटी का नाम है सितारा घट्टामनेनी। नंबर 12, साल 2011 में महेश बाबू की एक फिल्म आई थी डुकोडू और उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 125 का ग्रॉस कलेक्शन किया था और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, लेकिन यह कहा गया था कि उस फिल्म के लिए महेश बाबू ने $1.2 मिलियन की फीस चार्ज की थी, जिसके बाद इनकम टैक्स ने उनके घर पर रेड भी की, लेकिन वो रेड बहुत ही अनसक्सेसफुल रही थी। नंबर 13, महेश बाबू के बेटे और बेटी दोनों ने ही महेश बाबू के मूवीज़ के अंदर छोटे छोटे कैमियोज प्ले किए हैं, जहां पर उनके बेटे गौतम ने उनकी 2014 की फिल्म नन्हे ओकड़ेन के अंदर महेश बाबू के चाइल्डहुड वाला रोल प्ले किया था। वहीं महेश बाबू की बेटी सितारा ने 2022 की फिल्म सरकारू वारी पाटा के एक गाने पैनी के अंदर एक छोटा सा अपीयरेंस दिया था। नंबर 14, महेश बाबू का कंपैरिजन हमेशा से तलपति विजय के साथ होता आया है, क्योंकि तलपति विजय ने महेश बाबू की दो मूवीज़ को रीमेक किया था, जो कि विजय के स्टार्डम का बहुत ही बड़ा कारण बनी और इसीलिए आज भी महेश बाबू के फैंस विजय को ट्रोल करते हैं, लेकिन महेश बाबू ने साफ बता दिया कि विजय उनके कॉलेज टाइम के दोस्त थे और विजय ने जो भी मूवी रीमेक की उसमें उन्होंने उससे बेटर काम किया था। नंबर 15, महेश बाबू ने आज तक कभी भी किसी रीमेक मूवी के अंदर काम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने 3 इडियट्स के रीमेक ननबन को रिजेक्ट कर दिया था, जिसे बाद में तलपति विजय के साथ एस शंकर ने बनाया था। नंबर 16, महेश बाबू ने अपने करियर में काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवीज़ को रिजेक्ट किया है, जैसे कि रवि तेजा की फिल्म इडियट, नागा चैतन्य की फिल्म ये माया चेसावे, राणा दग्गुबाटी की फिल्म लीडर, सूर्या की फिल्म गजनी और उन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को भी रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 17, महेश बाबू ने अपने करियर में नानी, कलेजा और नन्हे ओकड़ेन जैसी काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ भी बनाई, लेकिन वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन आज उन सभी मूवीज़ को एक कल्ट स्टेटस मिला हुआ है। नंबर 18, महेश बाबू के फैन उनको प्यार से प्रिंस ऑफ टॉलीवुड कहते हैं और उन्हें यह टाइटल उनकी पहली मूवी राजा कुमारुडू से मिला था और इसके अलावा भी उनको ये टाइटल उनके चार और करिश्मा के लिए भी दिया गया था। नंबर 19,
2010 में महेश बाबू टाइम्स ऑफ इंडिया के मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में नंबर 12 पर थे और वहीं 2013 में वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर थे, वो भी शाहरुख खान और आमिर खान को बीट करते हुए। नंबर 20, महेश बाबू एकमात्र ऐसे एक्टर है जिन्होंने बॉलीवुड में काम करने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें ये जो भी स्टारडम और रिस्पेक्ट मिली है वो सिर्फ और सिर्फ टॉलीवुड की वजह से मिली है और वो इस इंडस्ट्री को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 21, महेश बाबू ने अपनी मूवी श्रीमंथुड से इंस्पायर्ड होकर सिद्धापुरम और बुरीपुलम नाम के दो गांवों को अडॉप्ट कर लिया है और वो उन गांवों के डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम करते हैं। नंबर 22, महेश बाबू ने अब तक 1000 से भी ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरीज करवाई है और उनका एक स्ट्रिक्ट रूल है कि वो अपनी अर्निंग का 30% हॉस्पिटल में डोनेट करते हैं। नंबर 23, महेश बाबू टॉलीवुड के प्रभास के बाद दूसरे ऐसे एक्टर है जिनका सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम के अंदर स्टैचू बनाया गया है और उस स्टैचू को एक दिन के लिए हैदराबाद भी लाया गया था। नंबर 24, महेश बाबू तिरुपति बालाजी के बहुत ही बड़े डिवोटी है और जब भी वो फ्री होते हैं तिरुपति को विजिट करते हैं और एक रिपोर्ट के हिसाब से वो हर महीने उस टेंपल पर जाते हैं। नंबर 25, वेल महेश बाबू की अगली मूवी डायरेक्टर एसएस राजामौली के साथ होगी जिसे लगभग 800 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा जो कि एक ग्लोबल एडवेंचर मूवी होगी। वैसे महेश बाबू आज के टाइम पर हर मूवी के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सो ये थे महेश बाबू की लाइफ से जुड़े 25 अननोन फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।